ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ संतोषी माता व्रत की क्या पूजा विधि होती है, संपूर्णता से पूजा विधि मैं आपके साथ करके शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी लोग संतोषी माता व्रत शुरू करने वाले हैं, पूजा किस प्रकार से उन्हें करनी है, सुबह की पूजा किस प्रकार से करनी है, आरती कथा सहित, और इससे पहले दोस्तों सामग्री का एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, यहाँ पर भी मैं आपको बताती चलूंगी कि सामग्री आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करनी है, क्या जरूरी सामग्री है जो आपको चाहिए होगी इस व्रत पूजा विधि के लिए। तो चलिए मैं आपको पूजा अब करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आपको पूरब की दिशा में एक पाटा लगाना है। अगर आपका घर कच्चा घर है, मिट्टी का घर है, तो आप जमीन पर गोबर से लीप करके या फिर गंगा जल से शुद्ध करके आप ये पाटा लगा सकते हैं, या आप चाहें तो आसनी देकर उस पर भी माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा जो आपके पास है विराजमान कर सकते हैं। इस पूजा के लिए आपको लाल कपड़ा ही यूज में लाना चाहिए। तो एक लकड़ी का पाटा मैंने लगाया है, पूरब की ये दिशा है, लाल कपड़ा इस पर बिछाया और माता को इस पर विराजमान कराया है। अब पूजा मैं शुरू करती हूँ दोस्तों। तो सर्वप्रथम जगह की शुद्धि तो पहले हो गई है, अब यहाँ पर स्नान का भाव करते हुए आपको 3 बार आचमन करना है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो पंचामृत से भी करा सकते हैं और आप चाहें तो गंगा जल से भी करा सकते हैं। दोस्तों, इस पूजा में मैं यहाँ पर शुरू में ही आपको बता दूं कि कोई भी पूजा में गणपति का हम आह्वान करते हैं, लेकिन माता के इस फोटो में गणपति यहीं पर विराजमान हैं। तो जब भी आप संतोषी माता की फोटो लेंगे, आपको गणपति यहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसे में आपको अलग से गणपति बिठाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर गणपति की पुत्री है संतोषी माता और यहाँ पर शिव पार्वती जी भी मौजूद हैं, तो उनकी पूजा भी हम करेंगे। कहानी के सभी पात्र यहाँ पर हैं, तो सबकी पूजा हम साथ करेंगे। तो आपने स्नान का भाव कराया, एक साफ कपड़ा लें और यहाँ पर आपको अच्छे से माता को पोंछ देना है, जिस प्रकार से स्नान के बाद हम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे माता की जो भी आपने प्रतिमा स्थापित की है, फोटो स्थापित की है, इसके लिए हमें आसनी देनी है। तो आसनी आप फूलों की दे सकती हैं, चावल की दे सकती हैं, तो मैं यहाँ पर चावल की आसनी दूंगी। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा अखंडित चावल अक्षत रख करके आसनी माता को देंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों कलश की स्थापना भी करनी होगी, तो कलश की स्थापना के लिए भी आप थोड़ा सा यहाँ पर अक्षत की ही आसनी दे दें। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैं आसनी यहाँ पर कलश के लिए दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और आपको एक आसनी दीपक की देनी होगी। दीपक देखिए, घी का जब जलाते हैं तो हम माता की दाहिनी तरफ भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो बाईं तरफ भी लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो दोस्तों दीपक को आसनी देकर यहाँ पर सर्वप्रथम पूजा शुरू करने से पहले दीप देव का आह्वान कर लेते हैं, दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। हमने दीप देव का आह्वान कर लिया और दीप देव की पूजा यहाँ पर कर लेनी चाहिए। तो आप थोड़े से एक पुष्प में कुमकुम अक्षत डाल करके यहाँ पर दीप देव के सामने रखें और अब इन्हें प्रणाम करके पूजा हम आगे बढ़ाएंगे। तो माता को इस प्रकार से अपने स्थापित कर लिया है और यहीं पर व्रत की जो कथा की किताब है वो भी रखी है, क्योंकि इनकी पूजा भी हम इनको भी तिलक करेंगे साथ में। तो अब पूजा शुरू करते हैं। दीप देव के आह्वान के बाद सर्वप्रथम पूजनीय गणपति की पूजा करते हैं दोस्तों। तो गणपति के लिए यहाँ पर मैंने चंदन रखा है पीला, ओम गण गणपते नमः। तो आप उन्हें चंदन अर्पित करें, भगवान शिव को आप चंदन अर्पित करें और जो भी पुरुष हैं उनको भी आप चंदन अर्पित यहाँ पर करें। इसके बाद में दोस्तों कुमकुम आप अर्पित करें। ये रोली है, ये मैं इनको अर्पित कर रही हूँ। माता को आप सिंदूर अर्पित करें। जय संतोषी माता। मैया पार्वती की भी पूजा आप साथ में करते चलेंगे और उसके बाद जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं इस व्रत की कथा की, जो सभी लोग हैं वो हैं इसमें, जिनकी कथा हम करते हैं वो मौजूद हैं, तो हम उन्हें भी तिलक यहाँ पर करेंगे। अष्टगंध यहाँ पर मैंने रखा है अपनी पूजा में, तो मैं माता के चरणों में ये भी रख रही हूँ। आप सभी देवी देवताओं को अर्पित कर सकते हैं अष्टगंध।
और जैसे मैंने बताया कि किताब में यहाँ पर जो माता की फोटो है उसमें भी आप तिलक करें। दोस्तों अब हम व्रत का संकल्प लेंगे। आप चाहें तो सर्वप्रथम भी ले सकते हैं, आप चाहें तो स्नान के बाद भी संकल्प ले सकते हैं। मैंने सामग्री में आपके साथ बताया हुआ है कि संकल्प के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एक पान का पत्ता लेंगे, उस पर एक सुपारी, एक सिक्का, जोड़े से लौंग और इलायची, अक्षत और एक पुष्प और थोड़ा सा इसी पर आपको जल रख देना है। इसके बाद में आप इस तरह से अपने दाएं हाथ में इसे रख करके व्रत का संकल्प लेंगे कि हे संतोषी माता, जो भी जितनी भी संख्या आप व्रत का करना चाहते हैं, अपनी जिस भी मनोकामना से करना चाहते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र और आप जिस स्थान पर हैं, ये सभी बातें कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए संकल्प लेकर के ये पान का पत्ता आपको यहाँ पर अर्पित कर देना है माता के सामने। तो दोस्तों मैंने धूप भी प्रज्वलित कर लिया है, आप इस तरह से रोजाना की पूजा में भी करते हैं। अब माता के लिए जो भी वस्त्र आपको, वस्त्र देखिए लाल रंग के लाने हैं, तो इस प्रकार से एक वस्त्र, एक चुनरी माता के लिए आप लाएं। पहले दिन आप ला करके इसी चुनरी को आप हर व्रत में उपयोग में ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हर व्रत में आप चाहें चुनरी नहीं लेकर आए हैं, चाहे पहले या हर व्रत की बात कर लें, तो आप कच्चे सूत से माता को इस प्रकार से आप कलावे का एक उपवस्त्र के तौर पर दें। आप चाहे तो हर व्रत में पहले से शुरू करके आप जितनी भी संख्या का संकल्प लेते हैं आप ऐसा दे सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इत्र, देवियों की पूजन में इत्र हमें अर्पित करना चाहिए, तो इस प्रकार से इत्र आप चाहे तो कॉटन पे दे दें, और मैं थोड़े से वस्त्र पे ही डालती हूँ, तो मैंने ये वस्त्र पे इत्र का भाव भी कर लिया है। अब इसके बाद में माता की पूजा में हल्दी आप अर्पित कर सकते हैं माता को, तो आप हल्दी भी अर्पित कर लें। गणपति के नाम से भी आप हल्दी अर्पित कर लें। भगवान शिव को भूल से भी हमें हल्दी नहीं अर्पित करनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद में आप जो भी माला लेकर आए हैं वो माला अर्पित कर दें, पुष्प अर्पित करें सभी देवियों देवताओं का भाव करके। तो गणपति के लिए प्रथम पूजनीय गणपति के लिए अर्पित किया, संतोषी माता के लिए मैंने अर्पित किया। संतोषी माता की पूजा में भी देखिए लाल पुष्प का महत्व होता है, तो लाल पुष्प में अगर गुड़हल के फूल मिल जाएं बहुत अच्छा है। मुझे नहीं मिला दोस्तों, तो मैं गुलाब का फूल ये अर्पित कर रही हूँ। जय संतोषी माता। भगवान शिव भी इस फोटो में हैं, तो उनके लिए सफ़ेद फूल अगर मिलते हैं तो आप सफ़ेद फूल अर्पित करें। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। सभी देवी देवता जो भी अन्य लोग हैं उनके नाम से भी आप पुष्प रख सकते हैं इस पूजा में। एक पुष्प आप इस तरह से किताब पर जो माता की फोटो है उस पर आप रखें। अब बारी आती है दोस्तों भोग की, कि भोग हमें संतोषी माता के व्रत में क्या लगाना है। देखिए सामग्री मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो आपको सामग्री में पता होगा। अगर आपने सामग्री का वीडियो अब तक नहीं देखा तो देखिए संतोषी माता व्रत में भोग विशेष होता है गुड़ और भुने हुए चने का। गुड़ और भुने हुए चने संतोषी माता को बेहद प्रिय हैं दोस्तों, तो यही भोग आपको इस व्रत में लगाना है। अभी जो कलश देख रहे होंगे आप, किस कलश पर मैंने आम्र पल्लव नहीं लगाए हैं, ये श्री कलश दीप कलश नहीं बनाया है। देखिए संतोषी माता के व्रत में जो विधान व्रत का है, जो पूजा की विधि है, उसमें ये बताया गया है कि कलश स्थापना करके जो माता को हम भोग अर्पित करते हैं वो इसी कलश पर स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस भोग को यहाँ पर स्थापित कर दें। एक अन्य आचमन के लिए जल का पात्र मैंने रखा हुआ है, तो आप इधर ही से रख सकते हैं। अब दोस्तों एक और आपको चीज़ चाहिए होगी, ये जो भोग है, भोग का एक हिस्सा आपको अलग से रख लेना है। इसी भोग को, मतलब इसी चने भुने हुए और गुड़ को हाथ में लेकर के ये कथा आपको पढ़नी है, सुननी है, तो इसे भी आप ज़रूर थोड़ा सा साइड में रखें। अब संतोषी माता के व्रत का देखिए पूरा नियम मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी, यहाँ पर पूजा विधि लंबी हो जाएगी सभी जानकारियों को अगर मैं देती चलूं। जो भोग आप लगाएंगे संतोषी माता के व्रत में, खट्टे फल हमें, खट्टा कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो केले का एक ऐसा भोग है दोस्तों जो आपको हर सीजन में मिलेगा, और खट्टा नहीं होता है केला कभी भी, तो आप केले का भोग फल में अगर आप लगा रहे हैं तो माता को यही भोग अर्पित करें। तो इस प्रकार से आप भोग सभी देवी देवताओं का यहाँ पर आह्वान करके अर्पित कर दें। तो इस प्रकार से आपने भोग अर्पित कर लिया। अब बारी आती है दोस्तों कथा की। दोस्तों अब ये फूल जो आपने कथा की किताब पर रखी है इसे साइड में कर लेंगे, और ये जो कथा की किताब है इस किताब से ही हमें कथा पढ़नी है। देखिए इस कथा में, इस किताब में व्रत की विधि भी आपको बताई गई है। अगर आपके पास ये कथा की किताब है तो आप उसमें जाकर के जो मैंने विधि आपके साथ शेयर की है आप वहाँ पर भी देख
देख सकते हैं। तो व्रत का महत्व और व्रत की विधि यहाँ पर बताई गई है कि किस प्रकार से संतोषी माता का व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और जैसा माता का नाम है संतोषी, तो परम सुख संतोष, जो कि सबसे बड़ा सुख होता है किसी भी जीवन में मनुष्य के लिए, तो वो प्रदान करती हैं माता। और गुड़ और चने का प्रसाद ही करना इसमें चाहिए हमें भोग में माता को अर्पित। तो इस प्रकार से आप छोटा सा एक टुकड़ा लेकर के ये जो गुड़ और चने का जो प्रसाद हाथ में आपने लिया है दोस्तों, अब इसके बाद में ये पूरी कथा आप कहेंगे। और उसके बाद जब कथा संपन्न होगी तो इस हाथ वाले गुड़ और चने को आप वापस यहाँ पर रखेंगे। और ये जो बना है ये भोग वाला, इसे आपको गौ माता को खिलाना होता है, तो इसे आप साइड में रखेंगे। इसे आपको प्रसाद के तौर पर किसी को नहीं देना है, गौ माता को खिलाना है। और उसके बाद में दोस्तों जो व्रत कथा है वो संपन्न आप करेंगे। और उसके बाद में आरती इसमें जो दी गई है, संतोषी माता की आरती, ये आप आरती गाएंगे। यहाँ पर दो आरती है, एक वंदना है और एक आरती है। जब मैंने व्रत किया तो मैंने दोनों किया, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, ये एक आरती कह के इस किताब में दी गई है, और माता की एक वंदना है जय संतोषी माता। तो आप दोनों में से जो भी करना चाहे कर सकते हैं और आप दोनों कर लें। देखिए भोग लगाते समय माँ की एक वंदना भी इस किताब में दी गई है, वो आप वंदना करते हुए भी जब भोग लगाएंगे, भोग को छू करके ये वंदना आप गा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरे विधि विधान से शुक्रवार के दिन माता संतोषी की जो ये कथा है, जो ये व्रत है, इस पूजा विधि को आपको संपन्न करना है। दोस्तों ये मुख शुद्धि का पान है, इस पर लौंग इलायची रखकर मैं हर पूजा में अर्पित करती हूँ देवी देवताओं को। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब पहली बार आप संतोषी माता का व्रत शुरू कर रही हैं, तो जिस दिन आपने शुरू किया है या फिर जब उद्यापन की विधि होती है, तो हमें जरूर करना चाहिए। तो मुख शुद्धि के लिए आप व्रत कथा करने से पहले भी माता को पान और लौंग इलायची अर्पित कर सकते हैं, और बाद में भी कथा के बाद आरती से पहले भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करें। व्रत की प्रथम दिन में दक्षिणा हमें जरूर अर्पित करना चाहिए, और ये दक्षिणा आपको रख देना है जब व्रत आप पूर्ण करेंगे, उसके बाद में ये दक्षिणा आपको ब्राह्मण को उद्यापन वाले दिन और दक्षिणाओं के साथ में इसे भी दे देना होता है। तो व्रत के पहले दिन आपने एक दक्षिणा भी जरूर अर्पित करनी है। इसके बाद में दोस्तों आरती करेंगे। तो आरती की थाली मैंने आपको दिखाई है, अब मैं एक बारी आरती आपको करके दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से आपको माता की आरती करनी है। दो आरती यहाँ पर किताब में है, आप जो चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आरती कर लेते हैं। आरती किताब में दी हुई है जय संतोषी माता, तो आप आरती करें। जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। तो दोस्तों ये आरती आपको संपन्न करनी है। अब आरती के बाद में आपको कपूर की आरती भी जरूर करनी है। हर पूजा में मैं बताती हूँ आपके साथ ये भी जानकारियाँ, तो उसके बाद में आप कपूर की आरती भी माता को जरूर दिखाएं। यहाँ पर गणपति हैं, गणपति को आप कपूर की आरती करेंगे, और भगवान शिव और माँ पार्वती हैं, और उसके बाद दोस्तों माता संतोषी की आरती करेंगे कपूर से, और जो भी इस फोटो में अन्य लोग हैं जो कथा के पात्र हैं, उन सभी की आरती करके इस प्रकार से संतोषी माता व्रत को आप संपन्न करेंगे। तो दोस्तों हर शुक्रवार के दिन आपको इसी प्रकार से संतोषी माता का विधि विधान के साथ में पूजन करना है। यहाँ पर मैं एक और जानकारी दे दूं दोस्तों कि ये जो अब आपने ये आरती कर ली, और उसके बाद में जल आपको छोड़ लेना है। तो जल आप इस प्रकार से तीन बार जल छोड़ेंगे और इस पूजा को संपन्न करेंगे। माता को प्रणाम करने के बाद में दोस्तों आप ये जो भोग आपने अर्पित किया है इसे उठा लेंगे। इस भोग को आपको घर परिवार के सदस्यों में ही बांट देना है। दोस्तों इस भोग में, इस भी भोग की, अगर गुड़ और चने की भोग की मैं बात करूँ, इस भोग को आपने यहाँ से उठा लिया है। अब इस भोग को आपको जब एक समय का अनाज, जब शाम के वक्त में, शाम की आरती के बाद में एक समय का अनाज आप ग्रहण करेंगे, मीठा भोजन का विधान है संतोषी माता के व्रत में, तो आप उसके साथ में ही ग्रहण करेंगे। इस भोग को अपने घर परिवार के सदस्यों में ही वितरित करना है। ध्यान ये भी देना है कि घर परिवार का कोई भी व्यक्ति
खटाई इस दिन नहीं खाएगा। खट्टा खाने से संतोषी माता नाराज हो जाती हैं, तो आपको ही नहीं परिवार के किसी भी सदस्य को खट्टा संतोषी माता के व्रत में नहीं खाना होता है। ये बहुत जरूरी नियम है दोस्तों। तो इस प्रसाद को सिर्फ आप उन्हीं लोगों को देंगी जो कि खट्टा नहीं खाए हों। अब दोस्तों इस पाटे को आपको अगले दिन मतलब कि शनिवार के दिन हटाना होता है। जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन पाटे पर जो भी हम देवी देवता का आह्वान कर विराजमान कराते हैं उन्हें वहां से नहीं हटाते हैं। तो अगले दिन आप जब हटाएंगे तो ये जो जल कलश का जल है इसे अपने पूरे घर में छिटक देंगे, शुद्धि करेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ जल रहेगा वो आप किसी भी क्यारी में, तुलसी में, गमले में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से संतोषी माता का जो ये व्रत पूजन विधि है दोस्तों आपको संपन्न करना है। अगले वीडियो में मैं पूरी जानकारियां आपके साथ नियमों के बारे में शेयर करूंगी क्योंकि संतोषी माता व्रत के बहुत सारे नियम है जो बहुत कठिन है और बहुत सावधानी से इस व्रत को हमें धारण करना होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई ये जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय संतोषी माता।